मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इस तरीके से रिजिड हो। दवाई खुदा की तरफ से आती है, लेकिन शिफा खुदा देता है, शिफा हमें परमेश्वर देता है। और जब हम, कई लोग तो दवाई खा खा के भी मेडिकल स्टोर बन गए, अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, किसी को भी दे सकते हैं, क्या चाहिए, पेंसिलिन ये ले, एंटीबायोटिक ये ले, पैरासिटामोल ये ले, मेरे अंदर इतना सामान है, खा खा के मेडिकल स्टोर की तरह घूम रहे हैं। स्पास में भी जाओ तो दवाइयां दवाइयां भी वो आ रही है, और सारी नॉलेज है सारी दवाइयों, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आशा दवाइयों पे की है, लेकिन हमारी आशा मसीह के ऊपर है। मसीह ने क्या कहा 38 साल के रोगी, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने, यीशु मसीह ने उसको खड़ा कर दिया। देखिए, हम वो जो कंडीशंस हैं उसको पूरा जरूर करें, जो कंडीशन, बोलो कंडीशंस हमेशा पूरी होनी चाहिए। बीमारी हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन हम बीमारी के पास चले जाते। खुदा ने क्या कहा, निर्गमन बाइबल में लिखा है कि उन्होंने कहा कि यीशु का लहू जो है वो दीवारों पे लगा दो, अपने घर के बाहर लगा दो, और तुम्हारी कोई बीमारी तुम्हारे घर के अंदर। लेकिन ये भी, ये नहीं, ये लोगों ने भूल गए, हम बाहर निकल गए तो बोलो हम बाहर, हम लहू लगा के बाहर घूम रहे, बोलो लहू लगा के हम बाहर घूम रहे। मैं, आप सोचो कि लहू, प्रभु ने वादा किया कि तुम लहू के पीछे रहना, क्या कहा, लहू के, हाँ, आप बाहर निकलते ही आप पकड़े गए, क्योंकि वादा जो है वो लहू के पीछे रहने का है, किसी इंसान के पीछे रहने का नहीं है, खुदावन के वचन के पीछे चलने का है। सब बोले यीशु मसीह की। और लहू शिफा नहीं देता है, यीशु मसीह शिफा देता है। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हमारी प्रेयर जो है वो गलत जगह जा रही है, बोला हमारी प्रेयर गलत जगह जा रही है। देखिए यूहन्ना 16:23 में क्या लिखा है, यूहन्ना किताब 16:23, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा, तो वो मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। किससे मांगोगे, किससे मांगोगे, फिर से 3-4 बार बोलो, किससे मांगोगे, किससे मांगोगे, कि यीशु मसीह से, पिता से मांगेंगे यीशु मसीह के। जीसस ने प्रेयर सिखाई, ऐ हमारे जीसस, ऐसी सिखाई, क्या सिखाई, ऐ हमारे, गलत होगी तो एंट्री भी गलत होगी। आप ब्लड मांगते जा रहे हैं, ब्लड मांग से, ब्लड मांगने, ब्लड, ब्लड दे दो मुझे, लॉर्ड आपका ब्लड मेरे ऊपर है, प्लीज, यहां गड़बड़ हो रही है। आप ब्लड से नहीं मांग रहे हैं, बाइबल में कहीं यीशु के लहू से हमें शिफा मिली है, यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया, लेकिन शिफा देने वाला यीशु मसीह है। पिता के नाम में आप यीशु से हमारी प्रेयर, मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, एक आदमी कई 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 साल प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि उसने पिता से नहीं मांगा है, यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगना है। बोलो यीशु की लेनी है, बोलो की जीसस है, लेकिन जगह पिता है, बोलो जगह पिता है। यीशु मसीह ने कहा कि वेरी वेरी आई से अनटू यू, व्हाटएवर यू आस्क The Father in my name, He will do it. यीशु ने क्या कहा? Amen. मरियम ने भी क्या बोला? जो यीशु कहता है, वो करो. क्या कहा मरियम ने? जो यीशु कहता है, वो करो. और यीशु क्या कहता है कि किससे मांगो? और हम किससे मांगते हैं? जीसस से. जीसस के नाम में पिता से मांगना है. बोलो यीशु के नाम में. ये देखिए क्या लिखा है. फिर से पढ़िए. उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। आमीन। तो ये एक एरर है जो हम हमेशा करते हैं, हम कहते हैं कि खुदावन
कि हम इसके नाम से मांगे, हम उसके नाम से मांगे। कई लोग कहते हैं कि हम क्रूस से मांगते हैं। किससे मांग रहे हैं? आयास के अंदर नहीं, मैं क्रूस से मांग रहा हूं, मेरे को क्रूस से नहीं। नहीं, आप यीशु के नाम से पिता से मांगो। हमारे मांगने क्रूस पे हुआ, ये काम क्रूस पे हुआ। ये मांग आप लहू के गाने गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लहू के गाने गाने में बहुत खुशी है ना। पाप लहू यीशु का लहू यहोवा, आप लहू की तारीफ करें, आप क्रूस की तारीफ करें, आप आत्मा पवित्र आत्मा की तारीफ करें, लेकिन जब मांगने जाए आप परमपिता परमेश्वर से मांगने जाए। हालेलुया। फिर से बोलो आमेन, फिर से बोलो आमेन, फिर से बोलो आमेन, आमेन। देखिए, अगर आज सिद्धांत को प्रेयर करनी है, मैं आपको ये की, ये आज को मैं आपको की दे रहा हूं, प्लीज यूज दिस की। आज सिद्धांत को प्रेयर करना है, सोचिए अपनी प्रमोशन के लिए, मिसाल के तौर पे, तो सिद्धांत कैसे प्रेयर करेंगे? आसमानी पिता, मैं आपके सामने आता हूं यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। पिता अब्बा, मैं आपसे मांगता हूं, मैं आपसे मांगता हूं, मैं आपको की दे रहा हूं। देखिए, प्रेरितों की किताब 4:12, प्रेरितों की किताब 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह का नाम है, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन। प्रेरितों की किताब 3:16 देखिए, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिस तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। बिल्कुल भला चंगा। अभी यीशु ने ये सारे टूल्स यूज किए, बोलो यीशु ने ये सारे टूल्स यूज किए, ब्लड, क्रॉस, एनॉइंटिंग, ये सारे टूल्स हैं, लेकिन नाम यीशु मसीह का है और मांगना प्रभु यीशु मसीह के उस आसमानी पिता से है, लेकिन मांगना यीशु के, यीशु नाम के आगे। बोलो यीशु मसीह की। आप अपनी प्रेयर्स को आज से, चाहे वो हीलिंग प्रेयर्स हो, पिता से मांगो। मैं गवाहियां सुनना चाहता हूं, बोलो आमेन, बोलो आमेन। एरोनियस प्रेयर्स नहीं करनी है, एरर के साथ दुआ नहीं करनी है। आप बाप से मांगो यीशु मसीह के। मिथुन ने एक बार किसी को बोला कि तुम प्लीज मेरे डैड से फोन करके काम करवा लेना। क्या? मैं डैड को बोलता हूं, वो बार बार फोन इधर लगा, क्या कर रहा है बार बार फोन, और ये उठा नहीं रहा, और ये कह रहा है कि क्यों इधर फोन लगा रहा है। मैंने बोला है कि तुम मुझसे मत बात करो, तुम डैड से बोलो और बोलो कि मिथुन ने ऐसा, तो वो हो जाएगा। किसी के समझ आई? जीसस को फोन लगाओ, नहीं डैड को फोन लगाओ। किसको लगाओ? और डैड को बताओ मैं यीशु के नाम से आया। बोलो डैड को बताओ मैं यीशु के नाम से आया हूं। यीशु के नाम से आप पिता से मांगोगे तो यीशु ने कहा कि वो काम हो जाएगा ताकि मेरे पिता की महिमा हो। यीशु ने खुद कहा मैं वही करता हूं जो मेरे, मैं भी वही करता हूं जो मेरे पिता ने बोला है। यीशु ने कभी भी अपने आप को पिता से बड़ा, उसने कहा पिता से मांगो, आपके पास जो नहीं है आप पिता से घुटनों पर जाओ, लॉर्ड फादर, बोलो फादर इन हेवन। ये हमारी ओपनिंग होनी चाहिए, बोलो फादर इन हेवन आई कम इन द नेम ऑफ जीसस। नहीं विश्वास हो रहा? फिलिपियों की किताब 2:9-10, फिलिपियों की पत्री 2:9-10, इस कारण
परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और वो सब यीशु के नाम पे घुटना टेकेंगे। हालेलुया। आप यीशु के नाम से पिता से मांगेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं ऐसे होंगी। यीशु का नाम की है, लेकिन मांगना किससे है? बोलो, किससे मांगना है? लहू से, क्रूस से, तेल से, पानी से, शोफार से? लो, ये बजते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, इसमें कोई होलीनेस नहीं है। पियानो में कोई होलीनेस नहीं है, कीबोर्ड में कोई सामर्थ नहीं है। देने वाला पिता है और यीशु मसीह चाबी है। यीशु की चाबी लगाओ, खुदा के घर में घुस जाओ और वहां से उठा के ले आओ जो चाहिए। हालेलुया। देखिए, शैतान, कभी कभी शैतान जो है आपको लहू के नाम से थोड़ी सी विक्ट्री दे देगा, लेकिन क्या होने वाला है? वो डिसीवर है। रेवलेशन में लिखा, ताकि वो क्या कहता है, मैंने बहुत एरर देखा है, जो लोग बहुत ज्यादा लहू लहू करते हैं उनको थोड़ी थोड़ी विक्ट्री मिलती है और एंड में जाके शैतान उनको ऐसे गिराता है कि कभी नहीं उठ पाते, क्योंकि उनको सही की नहीं मिली थी, वो वहीं फंस गए थे, क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस आ गया था, थोड़ा सा काम आ गया था, लहू का नाम लेने से जरा सा जख्म, लेकिन जिंदगी यीशु के नाम से मिलती है। यीशु का नाम, आप प्रेयर करें, आपने आज मिरेकल्स मांगे हैं यीशु के नाम से। जीसस ने भी कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ब्लड से ठीक कर रहा हूं। यीशु ने हमेशा कहा कि मैं अपने पिता की मर्जी पूरी कर रहा हूं, ताकि मेरा पिता जो है उसकी महिमा आपके जीवन में पूरी हो। सब बोलो यीशु मसीह की। आमीन। देखिए, शैतान की जो चलाकियों से हमें बच के रहना है। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 जल्दी से देखें। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हम पे दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि हम उसकी युक्तियां क्या है। वो हमें छोटी छोटी कल्ट्स में फंसा देना चाहता है, वो हमें डिसीविंग डॉक्ट्रिन्स में फंसा देना चाहता है। बाइबल इज क्लियर। बोलो, बाइबल इज क्लियर। कभी कभी लोग ना एक वर्स यूज करते हैं, उस वर्स को हमेशा अपना एजेंडा बना लेते हैं। आज इसमें इतनी सारी डिनोमिनेशंस है क्योंकि लोग एक वर्स को पकड़ के पूरा एजेंडा बना देते हैं, लेकिन बाइबल खुद कहती है कि कोई भी जो चीज है वो 2 या 3 विटनेस से कंफर्म होती है। आमीन। इसलिए हम बाइबल में वर्स आफ्टर वर्स देखते हैं कि यीशु मसीह ने वर्स आफ्टर वर्स आफ्टर वर्स आफ्टर वर्स यही कहा है, मांगो पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो, पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो, पिता से मांगो, मेरे नाम। यहां तक कि जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, यीशु ने कहा ऐ हमारे, यीशु बेटा है वो पिता है। मांगना है तो मांगो, लेकिन मांगो यीशु मसीह से नहीं, यीशु का सिर्फ नाम यूज करना है। उस कनेक्शन को हमें लेकर पिता तक पहुंचना, क्योंकि यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मैं मार्ग हूं किधर, और मेरे सिवा कोई, तो देने वाला कौन है और मार्ग कौन है? यीशु के थ्रू जाओ, बच्चों की शिफा मांगो, आपको मिल जाएगी। यीशु के थ्रू जाके पिता से मांगो। आज से प्रार्थनाओं में पिता से मांगो। आस्क योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, बट आस्क इट फ्रॉम द फादर इन हेवन। फादर आई प्रे, फादर बोलो, पिता। प्रार्थना शुरू ऐसे करो, हे मेरे मसीह, ए मेरे यीशु के पिता, क्या
Father, oh Lord, Father of my Jesus Christ. Yeah. Heavenly Father of my Lord. It's a good way to start your prayer. Oh Father of my Lord Jesus Christ, I come in the name of Jesus. हमारे पिता, मैं यीशु के नाम से आता हूं. सब और ये बिल्कुल करेक्ट बिब्लिकल तरीका है. बोलो, ऐ मेरे पिता, मैं यीशु के नाम से आती हूं. मैं मसीह के नाम से आपसे मांगती हूं. अब प्यारे परमेश्वर, अब ये बदल, ओ लॉर्ड जीसस, नहीं मुझे ऐसा ब्लेस कर दे, नहीं हेवनली फादर. तो थोड़ा सा चेंज है. बोलो, थोड़ा सा. यू आर आस्किंग द फादर इन द नेम ऑफ, करेक्ट हो गया. अब क्योंकि गॉड ने कभी प्रेयर ऐसी नहीं बनाई कि वो हिट और मिस हो. क्या कभी हिट हो गई, कभी मिस हो गई, कभी हिट हो गई, कभी मिस हो गई. खुदा चाहता है आप प्रार्थना करें, यीशु के नाम से मांगे, पिता से मांगे, आपका काम यीशु के नाम से हो जाएगा. यीशु, देखिए मार्कुस 16:16 में क्या लिखा है, 16:16-17 में, मार्क 16:16-17, मार्कुस किताब 16:17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी. आमेन. मेरे नाम से निकालेंगे. किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से. और उसको हम क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूं इसके अंदर से निकल जा. यीशु का हमें क्या यूज करना है? नाम यूज करना है. वो कुवत वाला नाम है, वो ताकत वाला नाम है. हर नाम से बड़ा वो नाम है जिसको खुदा ने यहोशुआ कह के बुलाया. आमीन. यूहन्ना की किताब 14 में देखें, 13 और 14. यूहन्ना की किताब 14 और 13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा, वो के पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, कि पिता की महिमा हो. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा. आमीन. तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो करेगा, ताकि किसकी महिमा हो. आमीन. देखिए एक के बाद एक प्रूफ, यूहन्ना की किताब 15 और 16. तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे, वो तुम्हें दे. यूहन्ना की किताब 16 और 23, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे. आमीन. वापस आ गए हम इसी वर्ष पे. हाँ जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे, पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें दे देगा, तो वो मेरे नाम से तुम्हें दे देगा. यीशु नाम. बोलो यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा. यीशु नाम. बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा. यीशु नाम. अब इसका मतलब ये नहीं कि पिता में और जीसस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है. हालेलुया, दोनों एक हैं. बोलो दोनों, बोलो दोनों क्या हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है. लेकिन खुदा का एक ऑर्डर है. जीसस चाहते हैं कि कल्ट ना बन जाए. क्या चाहते हैं जीसस? कोई. लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि हम यहोवा से मांगे, प्रभु यीशु के नाम से मांगे, ताकि उस ट्रिनिटी को, उस परमेश्वर की त्रिएकता को हम समझें कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं, लेकिन तीनों का एक ऑफिस है और हम तीनों के साथ एक रिश्ता, सही सही रिश्ता बनाएं. आमीन. हमको पिता से, सब बोलो, हमको पिता से मांगना है, फादर से मांगना है, इन द नेम ऑफ जीसस. उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? पवित्र आत्मा. कौन करता है? तो खुदा आता है, वो हमें एग्जीक्यूट करके देता है. लेट ऑल योर प्रेयर्स बी डायरेक्टेड टू द हेवनली फादर. अब्बा फादर. कैसे बोलो? अब्बा फादर. बोलो अब्बा फादर. पिता से मांगो. हम क्या गीत गाते हैं? खुदा से
मिलेगा उसका वादा है वो देगा लहू से मांग। जब आदमी इमोशनल होता है तो कुछ भी बोलता है, मुझे लहू से मांग रहा हूं मैं, लहू तू मुझे चंगा कर दे। नहीं, पिता चंगा करेगा। आपके जिस्म के अंदर बरकत देने वाला पिता है, आपकी जिंदगी को छूने वाला पिता है। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आज हम सब पिता के सामने आए। प्लीज आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ब्रीच कर रहे हैं, प्लीज इधर उधर नहीं भटके। मैं यहां से भी मांग लू, लहू के पीछे छुपना है, लहू के पीछे छुपना है, कवनेंट के पीछे छुपना है। यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया, ये हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है यीशु मसीह ने, ताकि मंदिर का पर्दा फट जाए और हम पिता तक पहुंच जाए। हमें पिता तक पहुंचना है। मंदिर का पर्दा फटेगा, नहीं तो फटने की जरूरत नहीं थी। हम बाहरी जीसस से मिलते थे, लेकिन हमारा मंदिर में जाना बहुत जरूरी है जहां पे सब कुछ है। उस मंदिर का पर्दा फाड़ने के लिए यीशु मसीह आया, उसने अपनी देह तोड़ी, लहू बहा, रोटी जिस्म टूटा, लेकिन हमारे लिए रास्ता खुल गया कि हम खुदा की हजूरी में वापस चले जाएं। यीशु रास्ता बना, लेकिन डेस्टिनेशन हमारी वो आसमानी पिता है। हालेलुया, हमको पिता के पास जाना है। हमारी हर बरकत देने वाला हमारा आसमानी बाप है। ऐ हमारे प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। रीना की एक अथॉरिटी है, लेकिन एक फाइनल डिसीजन मैं लेता हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यीशु मसीह की अथॉरिटी है, लेकिन देने वाला पिता है। और हम एक हैं, ऐसे ही वो भी एक हैं, लेकिन आप पिता को इग्नोर नहीं कर सकते, आप फादर को इग्नोर नहीं कर सकते। फादर तक जाना है और उसका मार्ग, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा कि अपना इकलौता पिता ने पुत्र दिया, ताकि लोगों को पुत्र के द्वारा पिता तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए। बोलो, पुत्र के द्वारा पिता तक। उस दिन मैं देख रहा था, किसी ने ऐसे एक फोटो बनाई थी कि इधर एक खाई है, इधर एक पहाड़, बीच में खाई है, इधर एक पहाड़ है, इधर पहाड़ है, बीच में यीशु मसीह है। क्या है? तो लोग उसके ऊपर से होके किधर जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? तो पिता के पास जाने का रास्ता यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला है। तो हमें मांगना है तो किससे मांगना है, लेकिन किसके नाम से मांगना है? पीस पीस के याद कर लो, मांगना पिता से है, यीशु के नाम से, यीशु नाम से हर घुटना। आमीन। तो खुदा से, और आज हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, आज मांग के जाएंगे यहां से। बोलो आमीन। और आप देखेंगे कि जब सही चाबी, किसी घर का ताला नहीं खुल रहा था, आधे घंटे से लगे हुए, क्या करें? तो उन्होंने चाबी वाले को बुलाया। किसको बुलाया? उसने कहा आप गलत चाबी डाल देते, ये वाली चाबी डालो। क्या बोला? गलत चाबी से ट्राई कर रहे थे आप, ये चाबी डालो। उसने चाबी आप भी आज पिता से मांगो यीशु मसीह के नाम से। इतनी गवाही होंगी कि टाइम नहीं होगा। हालेलुया, इतनी गवाहियां तो दौड़ आपके चाहिए होंगे, इतने काम होगा। आप तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा।